Question says, a body is projected horizontally from a tower of height 40 meter with speed 20 meter per second. Then find range, time of flight, velocity at t equals to 1 second and velocity with which it hits the ground. अच्छा इस वाले क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे. तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली 40 मीटर हाइट के टावर से प्रोजेक्ट किया गया है. तो 40 मीटर हाइट के टावर से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड. तो अब मुझे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जिसमें पहली चीज़ है रेंज, दूसरी चीज़ है टाइम ऑफ फ्लाइट. तो सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेता हूँ, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, रूट टू एच बाई जी. तो यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 2 इंटू एच इज 40 अपॉन जी इज 10, सो इट विल बी 2 रूट 2 सेकेंड. सो दिस इज़ द आंसर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एंड नाउ फर्स्ट पार्ट इज टेकन. रेंज विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2 रूट 2, सो इट विल बी 40 रूट 2 मीटर. सो दिस इज आंसर टू द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज आंसर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ टेकिंग थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड. तो अब मुझे कहीं बीच में यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचा होगा, सपोज यहाँ पे टी बराबर 0 पे था और यहाँ पे टी बराबर 1 सेकेंड पे आ गया होगा पार्टिकल, तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे. तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इनिशियली अगर 20 थी तो फाइनली भी 20 रहेगी, तो ये 20 आई कैप. और वाई डायरेक्शन में ये पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन तो वेलोसिटी ऐसी रहेगी, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी ऐसी रहेगी, ये वी एक्स होगा, ये वी वाई होगा. तो वी वाई मैं लिख लेता हूँ सीधे. अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, ये वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं जैसे हम वहाँ पर पढ़ते थे कि v इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप. ठीक है, तो इनिशियली ये वाला पार्ट तो जीरो है, यू साइन थीटा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो इनिशियली वेलोसिटी है नहीं, तो सीधे मेरा आंसर आ जाएगा माइनस जी इंटू टी जे कैप. सो इट विल बी 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज माई वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड. अच्छा अगर स्पीड पूछा होता t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे तो आंसर क्या हो जाता, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच विल बी 400 प्लस 100 500 और आई कैन से दिस इज 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर जो स्पीड आएगी बॉडी की दैट विल बी 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट पार्ट इज वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को कितने स्पीड से हिट कर रहा है. तो ये है प्रोजेक्टाइल 40 मीटर से प्रोजेक्ट किया गया है इस तरीके से 20 मीटर पर सेकंड पे, तो कितने स्पीड से कितनी वेलोसिटी से ये बॉल अर्थ को हिट करता है, अर्थ को हिट करता है. तो यहाँ पे जो टी इक्वल्स टू है दैट इज़ 2 रूट 2. तो एक चीज़ है कि ये कुछ इस एंगल पर हिट कर रहा होगा, तो इसका तो एक ये कंपोनेंट होगा वी एक्स और एक ये कंपोनेंट होगा वी वाई. ठीक है, तो वी एक्स तो मुझे पता है वो चेंज नहीं होगा, वो तो 20 रहेगा, और जो वी वाई हो जाएगा वो मैं सीधे लिख सकता हूँ माइनस जी टी से. तो इट विल बी जी इंटू टी इज 2 रूट 2, सो इट विल बी 20 रूट 2. तो जो जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है तो वो वेलोसिटी होगी 20 आई कैप माइनस 20 रूट 2 जे कैप. ठीक है, अगर मुझसे पूछा जब ग्राउंड पे पहुँचेगा तो स्पीड कितनी होगी, तो फिर आंसर हो जाता है 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 रूट 2 का स्क्वायर 800. तो ये आ जाता 10 रूट 12 और 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड. तो इतनी स्पीड से ये बॉडी अर्थ को हिट करता है. ठीक है,